आज के वीडियो में मैं आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कराऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए थे, ठीक है। तो उसमें आपको बताना था कि कौन कौन से नंबर आपके परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पार्ट है 100 को बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। जैसे कि हम अपनी पिछली एक्सरसाइज में, मतलब स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में मैं ऑलरेडी कर चुके हैं कि वहाँ पे भी आपसे पूछा गया था कि इस तरह के कुछ नंबर थे तो क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। मान लो कि 100 को ही ले लेते हैं, तो 100 को हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया था। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसमें क्या किया था कि अगर उसके पेयर बन पा रहे थे ना, देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, अगर पेयर बन पा रहे हैं परफेक्टली तो फिर वो नंबर क्या कहलाता था, हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता था। अगर बाय चांस अगर यहाँ पे मान लो कि 2 का पेयर बना, 5 का बन गया, अगर एक्स्ट्रा 3 आ जाए तो यहाँ पे इसका 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो इसका मतलब 100 फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, इसका मतलब है कि 100 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। वहीं पे देखें कि अगर हम इसको क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो ये क्यूब रूट कैसे हो सकता है, इसके तो पेयर ही बने। क्यूब रूट में क्या चाहिए होता है हमें, क्यूब रूट में हमें चाहिए कि एक सेट में 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो केवल 2 नंबर आ रहे हैं, देखिए 5 के भी 2 नंबर है, 2 के भी। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा एक 2 मिल जाए और एक एक्स्ट्रा 5 मिल जाता तब हमारा 100 बन सकता था एक परफेक्ट क्यूब। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही नंबर है, 2 तीसरा है ही नहीं, तो यहीं पे पहली कंडीशन फेल हो गई भाई। पहले सेट में ही आपका 3 नंबर है ही नहीं, तो फिर कहाँ से बन जाएगा ये परफेक्ट क्यूब। दूसरे में भी नहीं है, जब पहले में नहीं तो फिर दूसरे में, पहले में नहीं तो वहीं पे फेल हो गया, फिर दूसरे में भी ही नहीं है 3 नंबर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि परफेक्ट क्यूब क्या देखता है कि जो प्राइम फैक्टर है ना, एक सेट में 3 नंबर होने चाहिए सेम, मतलब एक किसी नंबर का एक 3 नंबर का सेट होना चाहिए, ठीक है। मान लो 2 2, अगर एक और 2 आ जाता तब बन जाता मामला, लेकिन अभी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं इस तरह का। तो अब आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।